हेलो गाइज, आज आम स्टार्ट करवा सेकेंड इयर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर जोटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टरटा टोटाल जो यूनिट अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस टोटाल पार्टा को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन? इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द चार्जेस व्हिच आर एट रेस्ट। तो चार्ज गुड़ाक रेस्ट थे विषय में जहाँ भी स्टडी करवा से जो क्या अंतर्गत आसो इलेक्ट्रोस्टैटिक अंतर्गत सब आसो है। तो तापर आम जानवा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं तुम जानते इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज स्टैटिक मीन्स आट रेस्ट देन आसवा इलेक्ट्रिक चार्ज पाक। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहवा? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ व्हिच दे कैन फील और दे कैन एक्जर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन देम। ता माने दीटा बॉडी परस्पर को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दियंती बा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन दियंती ता पई रेस्पोंसिबल होउछि कि इलेक्ट्रिक चार्ज। जदि गोटे बॉडी रे इलेक्ट्रिक चार्ज न थांता से माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माने के बेबी एक्सपीरियंस करि पारंते नाही से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो कि बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जहां भी पई से सब पई दाई होउछि कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज गोटे कौन स्कालार क्वांटिटी एटा गोटे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आटा गोटे स्कालार क्वांटिटी कहीं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ना तुम्हें पढ़ी थो स्कूल क्यू इक्वाल टू आई टी क्यू है आम कौन इलेक्ट्रिक चार्ज आई है आम करेन्ट टी है आम कौन टाइम। तो देख करेन्ट इलेक्ट्रिक करेन्ट फास्ट पढ़ चुटा फंडामेंटल क्वांटिटी टी टाइम टाइमटा भी है गोटे कौन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जितेबाला आम दुटा को मल्टीप्लाई करे आम पाचे कौन चार्ज तेनाली चार्ज है गोटे कौन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आ गए स्कालार क्वांटिटी यार केवल मैग्नीट्यूड अच्छी यार डिरेक्शन नापर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। तो तुम्हें आगुरी पढ़ी चार्ज केते प्रकार दि प्रकार चार्ज आम थाए गोटे पॉजिटिव चार्ज गोटे नेगेटिव चार्ज जो स्कूल तुम पढ़ युक्तात्मक चार्ज आउ विद्युतात्मक चार्ज दि प्रकार चार्ज सब रही है। तो सब मन था टोटाल जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज रहा संख्या बढ़ी थाए कि गोटे बॉडी टोटाल चार्ज के टोटाल यूनिवर्स सॉरी टोटाल चार्ज के चेंज हो पार ना से सब कांस्टेंट चार्ज के डिक्रीज टोटाल यूनिवर्स चार्ज के डिक्रीज हो पार कि इनक्रीज हो पार। तो सही कहते कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बा गोटे सिस्टम भितर जी चार्ज थी से सब चार्ज सब कौन से टोटाल चार्जटा सब कांस्टेंट। तो भितर दुटा बॉडी भितर चार्ज एपट सेपट हो पाए कि टोटाल दुटाक बॉडी चार्ज सब कौन रोथ कांस्टेंट रोथ यहाँ कहते कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तापर आम आसो चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट मीन्स कौन से केबे भी स्पीड बा लोकेशन उपरे डिपेंड करिवो नाही बुझिपार। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कौन क्यू इक्वल टू प्लस और माइनस एन है तो फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कौन आम कहला से कहला जिते बड़े बॉडी जो चार्ज रहिबो से टोटल चार्ज सब बड़े क्वांटाइज हो एनटा है आम कौन इंटीजर एनटा वन टू थ्री फोर आईटा है कौन यहाँ इलेक्ट्रोनिक चार्ज वन इलेक्ट्रोनिक चार्ज बर और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गोटे चार्ज इलेक्ट्रॉन के 1.6 इंटु 10^19 कूलम इ र वैल्यू है 1.6 इंटु 10^-19 कूलम। तो सी कह कथा गोटे इलेक्ट्रॉन इ है गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज। तो सी कहला जिते बॉडी भितर जी चार्ज रे सब इंटीजर मल्टीपल होते हैं कौन गोटे बॉडी भितर आईदर 3e चार्ज थे कि 4e चार्ज थे केबे भी 3.5e चार्ज रही पारे ना आईदर गोटे चार्ज रही दीटा चार्ज रही गोटे आउ फाड़े चार्ज के रही पारे ना तो 100टा चार्ज रहा कि 101टा चार्ज रहा 100.5 100.5 चार्ज के रही पार ना। तो यहाँ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ गोटे इम्पोर्टेंट जिनस मन रखा मैंने काउनसिल एग्जाम भी दु तीन थर आसी क्वांटाइजेशन चार्ज
व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इन ए बॉडी इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड और इंटीजर मल्टीपल ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तापर आम आसवा चार्ज यूनिट चार्ज एसआई रे चार्ज यूनिट है कौन कूलम। सीजीएस रे चार्ज यूनिट दि प्रकार आसपार गोटे ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट गोटे ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट रे चार्ज यूनिट हूँ स्टार्ट कूलम। आउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट रे चार्ज रे यूनिट होची आप कूलम हला चार्ज यूनिट हला आप कूलम गोटाला स्टार्ट कूलम गोटाला आप कूलम एटा हला ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एटा ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट आउ एसआई रे यार यूनिट हला कोन कूलम। तापर हमर रिलेशन रिलेशन कोन 1 कूलम इज इक्वल टू केते 3 * 10 टू द पावर 9 स्टार्ट कूलम। सेमती वन कूलम इज इक्वल टू के तेही परिवो 1/10 आप कूलम बुझ पार्छो एला तार रिलेशन रिलेशन बिटवीन कूलम एंड स्टार्ट कूलम। शॉर्ट क्वेश्चन पाई मन रखियो सीएचएसी रे शॉर्ट क्वेश्चन ए जिंस आसे रिलेशन बिटवीन कूलम स्टार्ट कूलम रिलेशन बिटवीन कूलम एंड आर्क कूलम ए सब जिंस हमर क्वेश्चन सब आगर आसे। आ तमो जिम कहितली क्यू इक्वल टू जेतु आईटी त तार डायमेंशन आई रो डायमेंशन हला कोन जेतु इलेक्ट्रिक करंट त डायमेंशन ए ट्री रहला कोन टाइम त तार रहला कोन कैपिटल टी त चार्ज रो डायमेंशन आ जीवो एम 0 मास किछ नाही ए 0 लेंथ भी किछ नाही टी 0 हबो कि नाही टी एठी गोटे अछि त टी 1 आ जेतु आई गोटे अछि करंट त ए 1 त एटा हला हमर डायमेंशन काहर इलेक्ट्रिक चार्ज हला। तो सबोले मन रखथाओ गोटे बॉडी भितरे जब आम चार्ज क्रिएट करू से चार्जटा क्रिएट केमी हुए रेस्पोन्सिबल किए तो गोटे बॉडी भितरे चार्ज क्रिएट करने कि रेस्पोन्सिबल हे किए ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बा ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बा नेगेटिव चार्ज। तो जेहेतु देखो आम नेगेटिव चार्ज जोटा अच्छी नेगेटिव चार्ज रो मास बा इलेक्ट्रॉन रो मास हला तुम के 9.1 × 10⁻³⁻¹ केजी किंतु जो पॉजिटिव चार्ज तार मास हला के 1.6 × 10⁻²⁷ kg हला। तो देखो इलेक्ट्रॉन रो मास अपेक्षा पॉजिटिव रो मास पॉजिटिव चार्ज रो मास बा नेगेटिव चार्ज रो मास अपेक्षा पॉजिटिव चार्ज रो मास 1837 टाइम्स मोर दैट मींस पॉजिटिव चार्ज इज 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन हला। तो सेथिपाई जितने गोटे बॉडी रे पॉजिटिव चार्ज हो कि नेगेटिव चार्ज हो बॉडी जितने चार्ज्ड हो जाए आम कहू से चार्ज्ड हवा पक्षर कारण है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बा ट्रांसफरेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जेहेतु पॉजिटिव चार्जटा हेवियर एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज केबे भी ट्रांसफर हुए ना गोटे बॉडी रु आ गोटे बॉडी को ट्रांसफर हुए ना तो ट्रांसफर हुए किए नेगेटिव चार्ज है। तो मन कर दुटा बॉडी अच्छा दीटा बॉडी न्यूट्रल अच्छा मन कर दीटा बॉडी न्यूट्रल अच्छा मन कर एथरे 10टा पॉजिटिव अछि 10टा नेगेटिव अछि एथरे सेमती 5टा पॉजिटिव अछि 5टा नेगेटिव अछि तो ये भी न्यूट्रल तो जत्ते बेले मन कर इलेक्ट्रॉन सब ट्रांसफर होत मन तो मन कर 10टा इलेक्ट्रॉन लु एठी पड़ेले 3 जन केतरा पड़ेले 3टा नेगेटिव पड़ेले ता माने एठी 3टा नेगेटिव पड़ेले माने एठी रहिला केतरा 7टा नेगेटिव एठी तर 3टा नेगेटिव यार पड़े आसे यार नेगेटिव संख्या केते होला 18 नेगेटिव बुझ पार छो कि
तो ये दसटा पजिट रहा कितु जेहेतु तीन टा पड़ेगा सतटा नेगेट रहा ये अधिक किए रहा पजिट तुम बड़ा कौ चार्ज दिए पजिट चार्ज हो कितु ये देख फाइव पजिट फाइव नेगेट थी जिते बड़े तीन टा इलेक्ट्रोन पाईगला ये होगा कैसे यार आठटा नेगेट चार्ज होगा तमें ये अधिक किए गला नेगेट चार्ज तमें ये कौ चार्ज हो गला नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगा है जिते बड़े गोटे बॉडी रू आ गोटे बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हुए तो जो बॉडी रू नेगेटिव चार्ज गला तार पॉजिटिव संख्या बढ़ी तेणु सी हो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज आ जो बॉडी से नेगेटिव चार्ज को ग्रहण कला तार नेगेटिव चार्ज संख्या कौन हो अधिक तेणु सी हो नेगेटिवली चार्ज तो मन रखि था जीए इलेक्ट्रॉन डोनेट करे से बॉडी हो कौन पॉजिटिवली चार्ज जी इलेक्ट्रॉन बा नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करिवो हला से हि जीव कोन नेगेटिवली चार्ज हला मन रखते पिला पॉजिटिव चार्ज केबे भी ट्रांसफर हुए नाही कारण से माने हेवियर हला तापर हम पढिबा हमरो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास चार्ज आ मास भीतर कोन कोन डिफरेंस अछि देखो चार्ज गोटे बॉडी रो पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे जीरो भी हे पारे जीरो मींस न्यूट्रल जितेटा पॉजिटिव से नेगेटिव जदि नेगेटिव अधिका थी तेल नेगेटिवली चार्ज जदि पॉजिटिव अधिका थी तेल पॉजिटिवली चार्ज ताने गोटे बॉडी नेगेटिव चार्ज हो पारे पॉजिटिव चार्ज हो पारे न्यूट्रल भी हो पारे तुमने चार्ज मे भी जीरो मे भी पॉजिटिव मे नेगेटिव बट मास गोटे बॉडी मास के भी जीरो आउ के भी नेगेटिव हो पार ना मास सब कौन पॉजिटिव तापर मास तुम पढ़ थो फर्स्ट ईयर गोटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से फंडामेंटल से अन्य कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उपर डिपेंड करे नहीं किंतु चार्जटा है गोटे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहीं से डिपेंड कर आई इलेक्ट्रिक करंट आउ टाइम उपरे तेणु चार्जटा है गोटे कौन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जोटी की मासटा है कौन गोटे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो पिला देख मुझे कहली चार्ज नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो तार किसी मास अच्छे नेगेटिव चार्ज रो मास तुमको कहली 9.1 इंटू 10 टू माइनस 31 के जी पॉजिटिव चार्ज रो मास है कैसे 1.6 इंटू 10 टू माइनस 27 के जी ता माने जो बॉडी रे चार्ज रहिबो से बॉडी रो किसी ना किसी मास थिबो बुझिपारले कि ता माने मास बिना केबे भी चार्ज एग्जिस्ट करि पारिबो नाही बुझिपारलो किंतु किंतु चार्ज बिना मास एग्जिस्ट करि पारिबो माने गोटे बॉडी अछि से बॉडी रे तीरा पॉजिटिव चार्ज से तीरा नेगेटिव चार्ज ताले बॉडी रे कोनोसी चार्ज नहीं बॉडीटा न्यूट्रल किंतु बॉडी रो मास किछि थिबो तो मन रखिता सब बोले जे चार्ज कैन एग्जिस्ट सॉरी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज तापर मास को आमे मापिया कोथरे मास रो यूनिट केजी एसआई रे सीजीएस रे ग्राम आउ चार्ज को मापिया पई कि एसआई रे यूनिट आसला कोन कुलम सीजीएस रे ईएसयू रे आसो स्टार्ट कुलम आ ईएमयू रे आसीबो कोन आप कुलम तापरे हां टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट यूनिवर्स टोटल चार्ज ता हमर सोले कांस्टेंट से केबे भी बढ़ी होनी कि केबे कमी होनी जोटा ला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किंतु टोटल यूनिवर्स रो मास ता कांस्टेंट नु हो काहे कि ना हम पढ़ितला आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरी ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी देन टोटल मास गोटे सिस्टम रो बा टोटल यूनिवर्स रो केबे भी कांस्टेंट नहि तापर चार्ज इज क्वांटाइज्ड गोटे बॉडी रे सब गोटे इंटीजर नंबर ऑफ कौन थिबे चार्ज थिबे किंतु मास टा क्वांटाइज नहि हो गोटे बॉडी रो मास 8 केजी हे पारे 8.2 केजी हे पारे 8.3 केजी हे पारे किंतु चार्ज 8e हबो नॉन लाइन 9e हबो 8.5e हे पारिबो नहि बुझिपारलो कि तापर हाँ सम टर्म्स यूज इन कनेक्शन विथ चार्जेस चार्ज सागर कौन कौन टर्म्स कनेक्ट जो दरकार तार विषय में पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज फास्ट तुमको कहीदेज इलेक्ट्रिक चार्ज कौन चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कह चार्ज ऑफ ए ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज बा 1.6 इलेक्ट्रॉन चार्ज के 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम तो यहाँ कह गोटे इलेक्ट्रिक चार्ज गोटे चार्ज है यहाँ तापर आस पॉइंट चार्ज तापर आस टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज कौन सी कहला गोटे बॉडी से बॉडी रो मास कंपेयर रे तर जदि चार्ज डिफिनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज थी माने एज कंपेयर टू तर शेप एंड साइज तर गोटे डिफिनाइट अमाउंट ऑफ कौन थी
चार्ज थी कि सैज आफ सेप कंपेयर तर चार्जटा अधिक अमाउंट थी तक आम कही गोटे प्रकार कौन पॉइंट चार्ज आउ गोटे आसो आमर कौन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सीटा बहुत छोट टेस्ट चार्जटा आम गोटे इमाजिनरी पार्टिकल इमाजिनरी चार्ज तुम कहीं यूज करूँ आम फिजिक्स जो आम ल गुड़ा डिराइव करूँ इलेक्ट्रोस्टाटिक इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेनसीटी तो सेठी आम सब कौन कहना टेस्ट चार्जर आवश्यकता थाए। तो टेस्ट चार्ज गोटे एमती चार्ज बहुत छोट चार्ज है सी क्या इनफ्लुएंस कर मैंने तुमको कहली मुझ दीटा बडी ये आपको आट्राक्ट कर मन कर ये भी आपको आट्राक्ट करना ये या फोर्स पकाउं सी ता फोर्स पकाउं कितु टेस्ट चार्ज धर ये गोटे रहा ये गोटे टेस्ट चार्ज रहा तो ये या फोर्स पकई पार मैंने सरी ताने ये आपको आट्राक्ट करदे पार कि ये आपको आट्राक्ट कर ना तो टेस्ट चार्ज केवे भी फोर्स एक्जर्ट कर किंतु से फोर्स एक्सपीरियंस करी पारिबो रहला टेस्ट चार्ज। तो आम फास्ट थिला इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तमाने चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तापर आसला कोन पॉइंट चार्ज द चार्ज हुज डायमेंशन आर नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज ए पॉइंट चार्ज। तो ऑब्जर्वर जति दूर रे अछि ता कंपेयर ता सेम पॉइंट साइजटा कोन हेतिबो बा डायमेंशनटा कोन हेतिबो नेग्लिजिबल हेतिबो बा एमिति तुम कहि पारिबो तार सेप साइज नेग्लिजिबल होती है कि तार गोटे डेफिनेट अमाउंट कौन थी चार्ज थी आम कहीपर पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट आसो टेस्ट चार्ज कौन कहली जो चार्ज की केवल फोर्स को एक्सपीरियंस कर किंतु केबे भी फोर्स एक्जर्ट करना सी होगा आमर कौन टेस्ट चार्ज। तापर पढ़ा मेथड्स ऑफ चार्जिंग है पे आम तीन प्रकार मेथड अच्छी चार्ज करने है तीन प्रकार मेथड गोटे है चार्जिंग बाय इंडक्शन तापर आसो चार्जिंग बाय कंडक्शन तापर आसो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फास्ट आम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जेहतु मुझे पीडीएफ जो हिसाब से हिसाब से मुझे कहूँ फास्ट आसो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कौन आसो देख चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आम कौन करवा दुईटा मन कर ये दुटाक न्यूट्रल बॉडी ये भी गोटे न्यूट्रल बॉडी ये भी गोटे न्यूट्रल बॉडी दुटा बॉडी को मुझे रब कल तो जितेबाद दुटा बॉडी को मुझे रब कर कौन हम ना गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी को चार्ज ट्रांसफर हम कहीं हम ना जो आम रब करे भितर एनर्जी जेनेट हम तो जितेबाद से इलेक्ट्रोन गुड़ाक चार्ज पाइबे सरी जो इलेक्ट्रोन गुड़ाक एनर्जी पाइबे से कौन करना जम्प करवा स्टार्ट करेंगे तो किए जम्प कर कौन कर डिपेंड क्या वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन कौन ये तुम आटोमिक फिजिक्स पढ़ो आटोमिक फिजिक्स चैप्टर में वर्क फंक्शन मीनस गोटे मेटाल सरफेस रु गोटे इलेक्ट्रोन टा बाहर कि जी एनर्जी दरकार करे ताको हमें कहू कौन वर्क फंक्शन बुझिपाल। तो मन कर दुटा बॉडी अच्छा जार वर्क फंक्शन कम ताको कम एनर्जी दरकार जार वर्क फंक्शन अधिक ताको अधिक एनर्जी दरकार तमाने मन कर ए बॉडी रो वर्क फंक्शन कम तेणु ये कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पाइले यठू चार्ज मैंने बाहरी पड़े किंतु यार जेहतु वर्क फंक्शन अधिक ये अधिक अमाउंट ऑफ एनर्जी पाइले ही एथ्रु इलेक्ट्रोन गुड़ा बाहर या पाखक जी तेणु जार कम एनर्जी दरकार सी आगे कौन कर इलेक्ट्रोन एमिट करद मुझ बारंबार कहूँ यहाँ देख यार वर्क फंक्शन कम यार वर्क फंक्शन अधिक जो रब कली यही बडी इलेक्ट्रोन गुड़ा बाहर की पलैबे कौटि की ये ए बडी जो इलेक्ट्रोन बाहर की या पाखक पलै आसे यार इलेक्ट्रोन संख्या कौन हम कमिज जदि इलेक्ट्रॉन संख्या कमीगला अधिक का संख्या रोज पॉजिटिव तेणु ये कौ चार्ज हो पॉजिटिवली चार्ज हो तो या एगेंस्ट रब कर जेहेतु ये नेगेटिव चार्ज पाइगला यार न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंपेयर रे कौ चार्ज अधिक हो नेगेटिव चार्ज अधिक हो तो जदि यार नेगेटिव चार्ज अधिक हो गला ताले ये कौ प्रकार चार्ज हो नेगेटिवली चार्ज। तो मन रखिता जितेबाला दुटा बॉडी को रब करवा इलेक्ट्रॉन गोटे बॉडी रु आ गोटे बॉडी को कौन कर ट्रांसफर हो तो जो बॉडी रु ट्रांसफर है सी हे पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी को ट्रांसफर है सी हे नेगेटिवली चार्ज आ जार वर्क फंक्शन कम सी पॉजिटिवली चार्ज हम जार वर्क फंक्शन अधिक सी नेगेटिवली चार्ज हम कहीं जार वर्क फंक्शन कम से बॉडी ही इलेक्ट्रॉन टा कौन करेंगे अलग बॉडी को ट्रांसफर हो तो यहाँ है मेथड ऑफ चार्जिंग फास्ट पार्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है एमती एग्जाम्पल धर कि दरकार नहीं यार एग्जाम्पल दबा तो यही खाली बुझ पाए दुटा बॉडी को आम कौन कर फ्रिक्शन मीन रब कर रब कले फ्रिक्शन आसो तो रब कला मैंने एनर्जी पाइबे जहाद्वारा कि
जहाँ वर्क फंक्शन कम सेठ नेगेटिव चार्ज जंप करेंगे जहाँ वर्क फंक्शन अधिका तेणु जो जंप कले सी है पॉजिटिवली चार्ज जो ठीक जंप कले सी है नेगेटिवली चार्ज है देन आसवा आम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सरला तार एग्जांपल लिख तुम कहले खाई से पीडीएफ रे व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क ग्लास अक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज व्हाइल सिल्क अक्वायर्स ए नेगेटिवली चार्ज है सिल्कटा हम कौन नेगेटिवली चार्ज किंतु ग्लास रॉडटा होगा आम कौन पॉजिटिवली चार्ज तुम पचार कहीं ग्लास रॉडटा पॉजिटिव है कहीं सिल्कटा नेगेटिव है बुझिपार तो कह तार कारण है कौन वर्क फंक्शन बुझिपार सिल्कर वर्क फंक्शन कौन कम कम ना अधिका सिल्क वर्क फंक्शन अधिक आज कंपेयर टू कौन ग्लास रड तो जेहेतु ग्लास रड वर्क फंक्शन कम रहा तो सेठ इलेक्ट्रोन टा जंप कर पड़े कौट सिल्क को आग तो जेहेतु ग्लास रड रु इलेक्ट्रोन जंप करगले तो ग्लास रड पॉजिटिव होगा आ सिल्क को जेहेतु जंप कले सिल्क होगा कौन नेगेटिव चार्ज तापर व्वेन ए इबोनाइट इज रब्ड विथ फर द फर आक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज इबोनाइट पढ़ स्कूल इबोनाइट दंड इबोनाइट रड पढ़ाई फर है जोटा कहते पर पक्षीर पर जो तुला भैया से कहते फर तो व्वेन ए इबोनाइट इज रब्ड विथ फर द फर आक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द इबोनाइट आक्वायर्स ए नेगेटिव चार्ज इबोनाइट नेगेटिव चार्ज पाइब कि फरटा पाइज कौन पॉजिटिव चार्ज तमें फर वर्क फंक्शन कम इबोनाइट वर्क फंक्शन अधिक जो कि फर रु इलेक्ट्रोन ट्रांसफर होगा कौटि इबोनाइट को जेहेतु फर रु ट्रांसफर होगले फर होगा पॉजिटिव जेहेतु इबोनाइट को ट्रांसफर हो तेनाली इबोनाइटा होगा कौन नेगेटिवली चार्ज बुझिपार नेक्स्ट चार्जिंग बाय कंडक्शन तो चार्जिंग बाय कंडक्शन देख कौन पढ़ा अब बोर हेनी पाने जदि बोर लगे मझे मझे पज करी पाँच फाणी पीकि आस पी बस है मत भी गरम हो फैन चल पारनी रेकर्डिंग नएज गुड़ा पलि आस तो ये आम पढ़ा चार्जिंग बाय कंडक्शन एथिरे भी फिजिकल कंटाक्ट हो सीधे कौन होता ना दीटा को न्यूट्रल बॉडी थी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सब बड़ जिन दीटा को बॉडी न्यूट्रल रब कर जे दीटा न्यूट्रल थे भी जो गोटे रू आ गोटे ट्रांसफर हम तो जहाँ जो बाहरी गले तार नेगेटिव संख्या कमी गला से पॉजिटिव होगा जो गले तार नेगेटिव संख्या बढ़ीगला तेणु सी नेगेटिव होगा किंतु एथिरे भी फिजिकल कंटाक्ट हम किंतु ये गोटे चार्ज बॉडी थी आ गोटे थी न्यूट्रल ताने कौन हम तो मन कर ये गोटे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है मो आउटे नी एटा न्यूट्रल बॉडीटा तम जीटा पॉजिटिव चार्ज अच्छी से नेगेटिव चार्ज अच्छी कि कौन अच्छा सब जगह पॉजिटिव चार्ज अच्छा तो कौन करी ना मुझे दीटा बॉडी को परस्पर सहित कंटाक्ट को नहीं आसवि कंटाक्ट को नहीं आसवि ये जो पॉजिटिव चार्ज थे ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज थे तो यू कि चार्ज डिपेंड कर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पोटेंशियल डिपेंड कर पोटेंशियल से हिसाब से चार्ज ट्रांसफर कर चैप्टर पढ़ा कौ हिसाब से चार्ज ट्रांसफर करेंगे तो मन कर यू दुटा पॉजिटिव चार्ज कौन पड़े ये पड़े आसे एमती के पार ना कौन हम कहीं पॉजिटिव चार्ज गुड़ा के कौटू कौट जंप करेंगे ना तो ये हला जो पॉजिटिव चार्ज थे सेमती रे जो नेगेटिव चार्ज गुड़ाक थे से देखिले ये पॉजिटिव चार्ज पूरा अच्छा तो से चाहिए कौन डिफ्यूज हवा तो यूर कौन करेंगे मन कर दीटा नेगेटिव चार्ज जंप कर पड़े आसे कौटी